ज़बर के साथ सुर पढ़ेंगे रा ज़ेर ली ली को बारीक पढ़ना है ज़ेर के साथ रा पेश रू पेश के साथ सुर पढ़ेंगे रा री रू। अब ये देखें हरकात वाली तकदीर मुकम्मल होती है। अब इस हरकात की तकदीर में यहाँ पर हमारे पास है क़रीबुस सौत यानी आवाजों का फर्क बताना है, दोनों हा के अंदर फर्क बताना है आवाज में। हा ही हु साथ में पढ़ें हा ही हु हमजा और आइन का फर्क बताएंगे आ उ री आ उ री। यहाँ ता और का फर्क बताना है ता तू री ता तू री। सा और सीन का फर्क बताना है नरमी से और सख्ती से, इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी जबकि इसमें आएगी सा सी सु सा सी सी सु सा सी सु सा सी सु सा सी सु सा सु सुई सा सु सुई। मोटा करना है सा सु सुई सा सु सुई। हा ओ ही हा ओ ही हा ओ ही अ बी वु अ बी वु वादी वु वादी वु दा दु दी 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 हैं जिनको हमने आवाजों के फर्क के साथ पढ़ा। अब ये तकदीर है आपके पास हरकात की, इन तमाम के तमाम अल्फाजों के अंदर सिर्फ जबर जेर पेश नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये तीन अलामतें ही नजर आएंगी, यहाँ तो जबर की नजर आएगी या पेश की नजर आएगी या जेर की, ठीक है। तो इन तमाम अलामतों को हम वक्फ के हालत में चाहे जबर हो जेर हो या पेश हम इसको वक्फ में साकिन कर देंगे और हरकात को बगैर खींचे पढ़ेंगे, ठीक है। ज़रा वक्फन ज़रा हमज़ा को साकिन करेंगे तो झटका देकर पढ़ेंगे, हमज़ा को साकिन ना करेंगे तो झटका देंगे वक्फन की हालत में। ज़रा वक्फन ज़रा हमजा साकिन हो जाएगा, आइन भी वक्फ में साकिन कर देंगे वक्फन में तो आइन साकिना में नरमी होगी, क्या होगी बच्चों बताएं? नाम नरमी होगी। रफा वक्फन रफा रफा वक्फन रफा रफा और उसके कलकला होंगे तो वक्फन की हालत में कलकला करेंगे यानी आवाज जोड़ती हुई निकलेगी। शरीबा वक्फन शरीब शरीबा वक्फन शरीब हमजा साकिना में झटका देकर पढ़ेंगे। ज़रा ऐन साकिना में नरमी करेंगे रफा और रुफे कलकला अगर आ जाए तो लौटती हुई आवाज निकलेगी। शरीबा को हमने पढ़ना है वक्फन में शरीब, वलदा को वलद, हबीका को हबीत, रुजीका को रुजीक। रुफे कलकला पांच है, काफ साकिना हो बा साकिना हो दाल साकिना हो तो साकिना हो, हमने
आवाज लौटी हुई अदा करनी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जीन की जो है, जीन का कोई वर्ड नहीं है, मगर मैं आपको बता रही हूँ यलिजू वक्फन यलिज, तो इन तमाम पांचों अल्फाजों को जब वक्फन करेंगे तो आवाज लौटती हुई निकलेगी और कलकला करेंगे। ये तमाम तख्तियां बेटा आप लोगों की याद की हुई है, पढ़ी हुई है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। आप इस लाइन को मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। أعرب وقفا أعرب أمر وقفا أمر يهب وقفا يهب أألد وقفا أألد झटका देकर पढ़ेंगे। قرئ وقفا قرب قري عين ساكنة مني पढ़ेंगे। منع وقفا منع बगैर कलकलाने वाला वर्ड हो तो उसको आवाज लौटती हुई नहीं निकलेगी। ओखर रसुल उदी जकर इन तमाम में आवाज अंदर जाकर खत्म हो जाएगी, आवाज लौटती हुई नहीं आएगी। अच्छा, तनीन जो है ना वो नून साकिन होता है, इनमें पूरे अल्फाजों में कहीं भी आपको नून नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमने जब तनवीन पढ़ना है तो उसमें नून साकिन की आवाज निकालनी है। अन इन उन निकल रही है ना, अन इन उन, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, ये हमजा अपनी आजादी शक्ल का है। और ये हमजा क्यों हो रहा है, क्योंकि अलिफ पर कोई भी अलामत आ जाए तो फिर उसे हम अलिफ नहीं पढ़ते, हमजा पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं भी नून नहीं है, लेकिन आवाज किसकी निकल रही है, नून साकिन की, क्योंकि तनवीन असल में नून साकिन है, ठीक है, इसलिए इसकी आवाज नून साकिन की तरह अदा होगी। عن 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 هن 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 عن 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 इसको गन नहीं पढ़ना, गाफ नहीं है, ये गाइन है, ठीक है। عن 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 خن 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 अच्छा, इसी की तनवीन की तकरीर अब यहाँ आई। यहाँ आपको देखें हरकात नजर आएंगे जो हम पढ़ चुके, पीछे तनवीन दिखाई देगा जो कि हमने अभी अभी इस तकरीर को मुकम्मल किया। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ तनवीन है और हरकात है। अब वक्फन की हालत में हमने तनवीन को क्या करना है ये समझना है, क्योंकि आप लोगों की तख्ती नंबर 6 ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये तमाम लाइन आप लोगों की मेरे पास हो चुकी है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जबर और जेर और पेश, ये तीनों अलामतें तो वक्फ में साकिन हो जाएंगी, पिछली तख्ती में आपने पढ़ लिया। अब तनवीन में दो जबर की तनवीन को हमने वक्फ में अलिफ से बदलना है, साकिन नहीं करना, दो जेर और दो पेश, इन दोनों को हम वक्फ में क्या कर देंगे, साकिन, दो पेश और दो जेर, इसको हम वक्फ में कर देंगे साकिन, और दो जबर की तनवीन को हम अलिफ से बदलेंगे, एक अलिफ की मिकदार देंगे। अब इनमें से हम चुनकर सारे जहां भी दो जबर के वर्ड है ना उसको अलिफ से जब बदलते हैं तो अलिफ लाजमी लिखा हुआ होता है, हम उसको सिर्फ चुन चुन के पढ़ते हैं, ठीक है। रस्वदन वक्फन रस्वदा, एक अलिफ की मिकदार, लिबादन वक्फन लिबादा, रशदन वक्फन रशदा, अददन वक्फन अददा, عجبا وقفا عجبا رغبا وقفا رغبا اسفا وقفا اسفا رهبا وقفا رهبا عنبا وقفا عنبا امدا وقفا امدا شققا وقفا شققا كذبا وقفا كذبا طوا وقفا فن هو احدا وقفا احدا ان تمام میں ہم نے دو زبر کی تنوین سے اور ایک الف کی ہم نے مقدار دی اور دو زبر اور دو پیش کو ہم وقف میں کیا کریں گے ساکن دو پیش کی تنوین اور دو زبر کی تنوین کو ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں مرد وقفا مرد مثل وقفا مثل نسك وقفا نسك حسن وقفا حسن فرش وقفا فرش زبد وقفا زبد قسم وقفا قسم علق وقفا علق ایک ورڈ ہم نے دو پیش کی تنوین کا لے رہے ہیں ایک ورڈ ہم جو ہے دو زیر کی تنوین کا لے رہے ہیں
نصب وقفا نصب وبق وقفا طبق سفرة وقفا سفرة غبرة وقفا غبرة قطرة وقفا قطرة. अब हमने इस तकरीब को तकरीबन हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये बाकी की जो तीन से चार लाइन है उसमें से मैं आपको ये दो लाइन सबक दे रही हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। عنبًا وقفًا عنبًا सफ़ावतिं वक्फ़ं सफ़रा, गोता को हमने हाँ से बदलना है, तनवीन साकिन कर देंगे, सफ़रा। वहबन वक्फ़ं वहबा غبرة وقفا غبرة أمدا وقفا أمدا كذبا وقفا كذبا شققا وقفا شققا معكم موتا پڑھنا ہے طوا وقفا طوا أحدا وقفا أحدا قطرة وقفا قطرة بچو آج ہم نے تمام تکتیوں کو ریوائز کیا اور کل انشاءاللہ تعالی ہم تمام تکتیوں کی قواعد کو ریوائز کریں گے تاکہ پچھلا اور سبق دونوں آپ کا ریگولر چلتا رہے بس آپ لوگ ساتھ میں لازمی پڑھا کریں توجہ کے ساتھ اوکے بیٹا اللہ حافظ